खबर राजगढ़ से है, जहां जिले की बोडा पुलिस पर युवक को बेरहमी से पीटने का आरोप है। उसे इस कदर पीटा गया कि शरीर की चमड़ी तक उधड़ गई। मारपीट में उसके कान का पर्दा भी फट गया है। पिटाई से शरीर पर गहरे घाव हो गए हैं। पीड़ित ने पुलिस पर 50,000 की रिश्वत लेकर छोड़ने का आरोप लगाया है। मामले की शिकायत एसपी प्रदीप शर्मा तक पहुंची तो उन्होंने एएसआई समेत 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। हालांकि पुलिस की कार्यवाही से असंतुष्ट युवक ने इसकी शिकायत गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से की है। बोड़ा थाना क्षेत्र के कड़िया गाँव निवासी शुभम सिसोदिया सांसी ने बताया कि 29 मई को वह भेसवा माता गाँव में एक मन्नत के कार्यक्रम में शामिल होने गया था। यहाँ पुलिस ने उसे एक मामले में आरोपी बताते हुए गाड़ी में बैठा ली और लीमा चौहान थाना ले गई। यहाँ उसके साथ जमकर मारपीट की गई। एक घंटे तक पीटने के बाद यहाँ से बोड़ा थाने ले गई, जहाँ रास्ते भर उसे पीटा गया। बोड़ा थाने के पीछे भी ले जाकर मारपीट की गई थी। यहाँ से उसे नरसिंहगढ़ ले जाया गया, यहाँ भी रात भर पिटाई की गई। मेरे परिवार को पता चला तो वह बोड़ा थाने पहुँचे और मुझे कोर्ट में पेश करने को कहा। 30 मई तक सुबह उन्हें फिर से बोड़ा थाने तक लाया गया। यहाँ मिनटों के बाद मेरी माँ ने टीआई राम नरेश राठौर को 50,000 रुपए दिए, तब उन्होंने मुझे छोड़ा। थाने से बाहर जाते समय भी मुझे धमकाया, किसी से बाहर मारपीट का जिक्र मत करना। मारपीट के कारण मेरे कान में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए मैं 1 मई को सुजालपुर पहुंचा और डॉक्टर को कान दिखाया। यहाँ डॉक्टर ने कान का पर्दा फटने की बात कही, साथ ही कहा कि यह पुलिस केस है तो मेडिकल करवाओ। रात 8 बजे मैं पचोर सरकारी अस्पताल मेडिकल करवाने पहुंचा तो वहां से मुझे साजापुर के लिए रेफर कर दिया गया। अगले दिन साजापुर अस्पताल पहुंचकर जांच करवाई, तभी साजापुर के 2 पुलिसकर्मी आए और धमकाया। डर कर मैं बिना जांच रिपोर्ट लिए गांव लौट आया। मेरी जांच रिपोर्ट अब भी साजापुर अस्पताल में है। 6 तारीख को मैं चुपचाप राजगढ़ पहुंचा और एसपी प्रदीप शर्मा से मारपीट की शिकायत की। यहां 5 पुलिसकर्मियों पर कार्यवाही तो हुई, लेकिन 50,000 रिश्वत लेने वाले थाना प्रभारी राम नरेश राठौर पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। तो अगले दिन भोपाल पहुंचा और डीआईजी मानव अधिकार मुख्यमंत्री कार्यालय में शिकायती आवेदन दिया। इसके अलावा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को भी अपनी पीड़ा बताई। एसपी ने बोड़ा थाने के एएसआई समेत 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है, जिसमें एएसआई भवर सिंह परमार, आरक्षक श्याम, आरक्षक प्रवीण, आरक्षक वीरेंद्र रावत और आरक्षक गौरव रघुवंशी पर कार्यवाही की है। एएसपी मनकामना प्रसाद ने कहा कि थाना बोडा पर एक युवती ने इंस्टाग्राम पर फेक आईडी बनाकर अश्लील चीजें डालने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर पुलिस ने साइबर सेल की मदद से आरोपी का पता लगाया। मोबाइल सिम की मदद से शुभम सिसोदिया को पुलिस गिरफ्तार कर थाना लाई। युवक के विरोध करने पर पुलिसकर्मियों ने युवक की पिटाई की थी। मामले में एसपी ने 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। जो मुझ पर जुल्म हुआ है, मैं कार्रवाई करना चाहता हूं, एफआईआर दर्ज करना चाहता हूं उनके ऊपर। और मेरे को इतना बुरा मारा गया है उनके द्वारा, ताकि उस मार से मेरी पसली भी टूट गई है, कान का पर्दा भी फट गया है, गर्दन की हड्डी भी टूट गई है। शुभम के द्वारा सभा विरोध किया गया और उसी विरोध के एप्लीकेशन कुछ व्यक्ति के द्वारा नियंत्रण करने में उसके हाथ कुछ ऐसी घटना हुई जो नहीं होना चाहिए। इस घटना के उपरांत पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 5 व्यक्ति को निलंबित कर दिया गया।